अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। वर्ल्ड कप खत्म हो गया, वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद हमारी टीम अब बांग्लादेश में मौजूद है और आज दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने 8 विकेट के बड़े मार्जिन से फतह हासिल करने के बाद सीरीज में फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम तीसरा और आखिरी T20 मैच परसों खेलेगी, जबकि उसके बाद 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। कई सारी चेंजेस पाकिस्तान ने की, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग बड़े कमांडिंग अंदाज में खेलती हुई दिखाई दी। पहले T20 मैच में हसन अली, जो बहुत ही फ्लॉप रहे थे वर्ल्ड T20 में, मैन ऑफ द मैच बन के मैदान से बाहर आए। जबकि आज के मैच की बात कर लेते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लूँ, वसीम जूनियर की बात कर लूँ या स्पिनर्स की बात कर लूँ, सबका अपना एक रोल दिखाई दिया। फखर जमान की तारीफ जरूर करना पड़ेगी। पहले मैच में 34 रन बड़े क्रूशल थे उनके, लेकिन 34 उनके और 34 खुशदिल शाह के बाद भी पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं थी, क्योंकि आखिरी 4 ओवर में पाकिस्तान को 40 रन दरकार थे एक ऐसी विकेट पर के जहां पर सिर्फ 128 रन का हदफ बांग्लादेश ने दिया था। वैसे ये शेर बंगला स्टेडियम बांग्लादेश, वहां पर बांग्लादेश के ऑफिशियल ज्यादातर अपने लिए टीम अपनी हिसाब से पिच बनाते हैं, बहुत ही कोई स्पिनिंग ट्रैक होते हैं, तो वो स्पिनिंग ट्रैक ज्यादातर डेंजरस रहे ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए। बिफोर वर्ल्ड T20 बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, न्यूजीलैंड को भी हराया था, उन दोनों टीमों के जिन्होंने वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला। लेकिन जब ये यही टीम प्रॉपर T20 की पिचेस पर गई तो पता चला स्कॉटलैंड से भी हार गई, पता चला कि 5 राउंड मैचेस हार गई। और हम यही बात कर रहे थे बंगाल टाइगर्स को क्या हो गया, तो पूसी कैट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादातर जो है वो इसी तरह के ट्रैक पे खेलते रहे, उसका नतीजा ये निकला कि वो फिर खुद भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। एनीवे कई सारी चेंजेस भी पाकिस्तान टीम में देखने को मिली। पहले मैच में खुदा खुदा करके शाहीन शाह अफरीदी को भी आराम दिया हमने, वरना ऐसा लगता है पहले तोड़ देंगे फिर दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया की एग्जाम्पल सबके सामने, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेल रहे हैं, उन्होंने भी 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली। उन्होंने अपने तमाम बॉलर, बुमराह की बात करें, शामी की बात करें, भुवनेश्वर कुमार की बात करें, सबको रेस्ट दिया हुआ है। जडेजा को भी आराम दिया, कोहली को भी आराम दिया हुआ है उन्होंने, इसके बावजूद भी वो 2-0 जीत गए। पाकिस्तान ने भी मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर कई कुछ चेंजेस की, कुछ बॉलिंग के अंदर चेंजेस की, स्पिन डिपार्टमेंट में चेंज किया। नवाज ने जो मैच जिताया पहला वाला, बड़ी लाजवाब परफॉर्मेंस थी नवाज की, जिस तरह की उन्होंने हिटिंग की थी, उनके साथ शादाब ने हिटिंग की थी। उस लिहाज से देखा जाए तो सभी चेंजेस कर रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं और भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। शाहनवाज धानी भी एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जो पिछले 2 PSL के अंदर जबरदस्त परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनको उस तरीके से मौका नहीं मिला है। एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देती है, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिल गई। 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान होगा। 28 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के किसी इवेंट की मेजबानी करेगा। जबरदस्त किस्म की अचीवमेंट पाकिस्तान की। रमीज राजा साहब ने जब से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चार्ज संभाला है, शलवार कमीज भी पहन ली है उन्होंने, और तब्दीली की हवा भी जो है वो दिखाई देती है। काफी हद तक अंदाज भी उन्होंने जो है ना वो खासे हद तक सीरियस कर लिया है, और जब सुनने में आता है कि जब वो किसी मीटिंग में भी बैठे होते हैं बड़ा एग्रेसिव किस्म का उनका माहौल होता है। तो अपने कप्तान से वाकई में काफ़ी कुछ सीखा रमीज राजा साहब ने। जब वो 1992 वर्ल्ड कप जीते थे इमरान खान साहब एज ए कप्तान, तो रमीज राजा साहब की फिगर थे टीम की, आमिर सुहेल के साथ आगाज करते थे इनिंग का। और उसके बाद रमीज राजा साहब ने जब से शलवार कमीज और बास्केट पहनी है उसके बाद से तो एटीट्यूड ही उनका बिल्कुल चेंज हो गया है, जो इतलात भी आती हैं उसमें, लेकिन एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, उसको बचाने के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में 2-3 मीटिंग्स हुई हैं फ्रेंचाइजर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के दरमियान। 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें रमीज राजा साहब खुद भी मौजूद थे, और आज की इतला यह है कि जो रमीज राजा साहब बात कर रहे थे कि हमें बड़े प्लेयर्स लाने के लिए जो प्लेयर्स का पूल है, जो रकम होती है, उसमें इजाफा करना पड़ेगा, लेकिन इतला यह है कि जो लास्ट ईयर का था $960,000, अब उसी के ऊपर जो है वो कंटिन्यू करने का फैसला किया गया। ऑलरेडी फ्रेंचाइजर्स खासे मुश्किलात से दो चार रहे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं वो हम सब देखते रहे, तो कई सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी है, बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं यंग डायनामिक लीडर, क्वेटा एंड गॉल ग्लैडिएटर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हसन उमर साहब, ने हमें ज्वाइन किया है
टेलीफोन लाइन पर, जबकि टेलीफोन लाइन पर ही हमें ज्वाइन करेंगे ह्यूस्टन अमेरिका से शो की जान द 1-2-3 साजिद खान साहब। थैंक यू वेरी मच आप तमाम साहिबान का, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन साहब, साजिद साहब, सईद भाई, आपसे आगाज करते हैं प्रोग्राम का। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल हारी थी, हम सब यही कह रहे थे कि तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि हमारी टीम अच्छी क्रिकेट खेल के गई थी, वो लास्ट में हो गया जो होना था, कुछ रब ने भी फैसले बनाए होते हैं, वरना तो फेवरेट हम ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन बांग्लादेश में जाने के बाद पाकिस्तान की कारकर्दगी में और निखार आया, जो खासकर चेंजेस किए हौसले के साथ वो अच्छे रहे। देखिए नसीम, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टीम को, रमीज़ राजा को स्पेशली, आपने इतनी अच्छी बातें की हैं रमीज़ राजा के लिए, उसको मुबारक। शलवार कमीज बास्केट में तब्दीली आई है, एग्रेशन भी आया है। अगर आप मुझे टाइम देंगे और इंशाल्लाह मैं बोलूंगा तो बिल्कुल सही बोलूंगा। रमीज़ राजा को वहां से आप मैं लेके चले, आप जहां से उसने क्रिकेट शुरू की थी, मैं अंडर 19 से रमीज़ राजा के साथ हूँ, मैंने पाकिस्तान के बहुत प्लेयर देखे, इसलिए कि जब आदमी की उम्र बढ़ती रहती है वो खेलने के काबिल तो नहीं होता मगर सीखने के काबिल होता है। क्रिकेट एक ऐसी गेम है, इल्म और क्रिकेट मैं समझता हूँ, फुटबॉल भी आदमी शायद हो सकता है उसमें, मुझे नहीं पता क्या है कि हॉकी में क्या है, मगर क्रिकेट आदमी जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही क्रिकेट सीखता है। मैंने रमीज़ राजा में जो उसकी लाइफ में जो आप चेंज देख रहे हैं ना, उसकी लाइफ में जवानी से एक पॉजिटिव थिंग्स, आप रमीज़ राजा वाहिद आदमी था जिसने दो शॉटों पे अपनी टेक्निक में मिड ऑफ मिड ऑन पे अपनी पूरी क्रिकेट खेली, और ऑन द टूज अब वो हम लोग, आप मैंने रमीज़ की, मैंने नेशनल बैंक का और अलाइट बैंक का मैच होता था तो रमीज़ ने हमारे सामने 100 भी किए, तो आप यकीन करें कि मैं परेशान, वो इतना पक्का होता था, इतनी जबरदस्त कंसंट्रेशन होती थी, इतनी उसकी क्रिकेट में कहते हैं नफ्स, बहुत मेहनती हार्ड। जावेद भाई से बात हो रही थी, जावेद भाई भी रमीज का जो नाम अकेले नेट पे मेहनत कर, रमीज का एक नाम रखा गया था रैम्बो। रैम्बो किसको देख के रखा था, इतना फिट था, इतना जिस्मानी तौर पे तगड़ा था, जो हीरो अमेरिका का जो हीरो रैम्बो मशहूर है, उसकी वजह से रमीज़ का नाम क्रिकेट में रैम्बो रखा गया, उसी की जैसे ही उसकी बॉडी थी। तो बहरहाल ये कि मैं कह रहा हूँ, पॉजिटिव आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है और उसको पता है कि किस सीट की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो चेंज कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, और वो कैजुअल अप्रोच से काम नहीं कर रहा, अपने आप को चेंज करता है। अच्छा, जहां तक रही पाकिस्तान टीम की, बांग्लादेश में परफॉर्मेंस तब्दीली की मैं तो बात कर रहा था, बहुत अच्छी और ऐसी होनी चाहिए, एग्रेशन भी आई, ऐसी होनी चाहिए, हर चीज की अपनी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ये नहीं कि हर आदमी, आपको पता है कि जब आदमी स्कूल में दाखिला लेता है तो 10th में जाके जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो उसी की तरह स्टडी शुरू कर देता है, पहली से दूसरी, तो फिर मैट्रिक में उसकी तैयारी दूसरी होती है, रातों को जागने लगते हैं दिन में। इसी तरह एक अच्छे कामयाब इंसान के पीछे यही कहानी होती है कि जैसे जैसे स्टेप ऊपर जा रहा होता है वो अपने आप को उसी उसमें रंग में डालता हुआ तक। अच्छा, रह गई बात पाकिस्तान टीम की, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से वर्ल्ड कप में जेल हुई है और जिस तरह से लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है, मैं देखें ये वर्ल्ड कप पूरी दुनिया का वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड कप कोई पाकिस्तान का वर्ल्ड कप नहीं था, ये कंट्री का नहीं था, पूरी दुनिया का हो। टीम में आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी जिस बात पे मैं एग्री करूंगा, सब फैसले ऊपर करने वाला बैठा है, मगर एक फैसला ऐसा होता है कि आदमी हारने के बाद भी इज्जत मिल जाए, ये समझ लें कि जीतने वाला फैसला है। पाकिस्तान को इस वर्ल्ड में जो वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है और जिस तरह से लड़के खेले और जिस तरह से जेल होके खेले, इतनी उम्मीदें वाबस्ता हो गई कि पाकिस्तान की टीम भूल गए सब जो एक साल पहले क्या था, तो ये क्रेडिट भी रमीज पे जाता है। और जहां तक रही बांग्लादेश की बात, आपने बिल्कुल सही कहा, बांग्लादेश इस वक्त मैं समझता हूं कि टीम बहुत नीचे चली गई है, और वैसे आज मैंने बिफोर वर्ल्ड T20 इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को अपने मुल्क में हराया है, आज तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो उनके बैट्समैन डर रहे थे फास्ट बॉलरों से, तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि ये पीछे से नजर आ रही होती हैं कि प्रॉपर काम नहीं हो रहा उन पे, या उनका उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नीचे जा रहा है, या वो वर्ल्ड कप हारने के बाद नसीम उनके साथ हुआ है। मगर इस वक्त पाकिस्तान का बहुत ही, पूरी टीम का और पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ नसीम, पाकिस्तान को रमीज राजा को इस वक्त ये चाहिए कि टीम बना दें, और आगे जो क्रिकेट आ रही है ना, यही टाइम ऐसी टीमें होती हैं। मैं भी पूछता हूं कि कैसे टीम बनेगी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं यंग डायनामिक लीडर क्वेटा एंड गॉल ग्लैडिएटर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हसन उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, थैंक यू सो मच शो में बुलाने का। हसन साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। पहले तो बात करेंगे जरा थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे, वर्ल्ड T20 में भी हमारी कारकर्दगी हसन भाई अच्छी रही, और अगर हम देखते हैं बांग्लादेश में भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं।
सर पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोगों ने एक फतवात हासिल की बांग्लादेश में, तो पूरे मुल्क को मुबारकबाद हो। तो माशाल्लाह से एक अच्छा मोमेंटम चला है वर्ल्ड कप से, और इंशाल्लाह बस आगे भी आने वाले, अच्छा लग रहा है T20 क्रिकेट हमारी, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बांग्लादेश की वैसे अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, आप खुद अब T20 फ्लेवर को अपने अंदर बहुत अच्छी तरीके से रचा बचा चुके हैं, क्योंकि आपकी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लूं मैं, गोल ग्लैडिएटर्स की बात कर लूं, दोनों टॉप क्लास टीमें और टॉप क्लास क्रिकेट खेल रही हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो क्रिकेट हो रही है वो फ्लेवर प्रॉपर लगता है आपको कि जहाँ शेर ए बंगला स्टेडियम का जो हाइएस्ट स्कोर है, एवरेज स्कोर है, वो 117 है, यानी कि जो एवरेज स्कोर किसी ग्राउंड का भी अगर 117 हो, रन बॉल भी ना हो, तो फिर क्या इट इज गुड फॉर T20 क्रिकेट? देखिए बांग्लादेश तो सबको पता है स्पिनिंग विकेट्स बनाती है अपने उसका एडवांटेज के लिए, लेकिन अब वो उनको मुश्किल हो रही है इसकी वजह से। आपने वर्ल्ड कप में भी देखा उन्होंने स्ट्रगल की, और जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाली टीमें जो स्पिन इतना नहीं खेलती वो फिर भी थोड़ा स्ट्रगल करती हैं, लेकिन एशियन टीम्स का तो एक है कि वो स्पिनिंग विकेट्स पे अच्छा खेलती हैं। तो अब ये है कि एक तरह की विकेट बनाना, तो फिर इंटरनेशनल अरीना में भी स्ट्रगल करते हैं, और ये T20 में आई डोंट नो, पर एक्सपर्ट्स को ज्यादा बेहतर पता हो, बट इस तरह की पिचेस बनाना इतनी लो स्कोरिंग हो और इतनी वो हो मुश्किल हो, तो वो आई डोंट थिंक इज सूटेबल फॉर क्रिकेट। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नवाज की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही, मोहम्मद नवाज ने जो पहला मैच फिनिश किया था बड़े अरसे के बाद, अब वो जो बैठे रहे बेंच के पर, बैठे रहे पूरे वर्ल्ड T20 के दौरान, उसके असरात दिखाई दिए हुसैन भाई? देखें वो तो जो मैनेजमेंट है और जो वो सारी सिलेक्शन थी वहां पे, वो बेहतर उनको पता होगा कि एग्जैक्टली क्यों उन्होंने नवाज या किसी और प्लेयर को जो बेंच पे बैठे रहे थे क्यों नहीं आजमाया। तो लेकिन जो अब जो है वो चांस मिला है, तो नवाज ने पूरा भरपूर अपना शो किया है टैलेंट, और टीम को पहले मैच में तो वो लेके गए, और दूसरे मैच में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, तो आई थिंक अब बैलेंस फाइंड कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल बैलेंस आ रहा है, और ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी लास्ट दो सीजन में परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं रही, उनके जितने प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं मोरल लाजमी तौर पे मैनेजमेंट का भी बुलंद होगा। लेकिन नवाज और अम्माद को सईद भाई जरा कंपेयर करें, अम्माद वसीम और नवाज को क्या फर्क है, दोनों को महसूस होता है? अम्माद क्या उतनी ही फॉर्म में, बैटिंग में भी हमने उनको काफी ऊपर मौके दिए, लेकिन जिस तरह कल नवाज ने हिटिंग करके और एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच के ऊपर मैच को फिनिश किया। देखें नसीम, आपने आज ये टॉपिक दूसरा आ गया। हमाद वसीम का मैं ये समझता हूँ उसको फेवर ज्यादा है ये ज्यादती नवाज के साथ। नवाज उससे अच्छा प्लेयर है और उससे ज्यादा फ्यूचर है उसका पाकिस्तान, वो उसकी क्लास ही अलग है। मैं इस वजह से नवाज की मैं तारीफ कर रहा हूँ। नवाज नेशनल बैंक में खेलता था, नवाज नेशनल बैंक का प्लेयर था, वो बहुत टैलेंटेड है, उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं ये लोग। उसको जिस तरह से हमाद हमाद को चांस देते हैं इस तरह से उसको नहीं, वो ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा। और फर्क ये है कि फेवरिज्म का है, उसको ज्यादा खिला रहे हैं उसको खिला नहीं रहे। नवाज टेक्निकली नहीं, वैसे ही गटसी है वो। जैसे एक गटसी प्लेयर होता है ना, आप किसी वक्त भी आप उसको नया बॉल खिला देंगे तो नया बॉल भी अच्छा खेलेगा वो, अच्छा यूटिलिटी प्लेयर, नया बॉल भी अच्छा खेलेगा। हमने नेशनल बैंक से कितनी दफा ऐसा हुआ कि हमें जब आखिरी जब ओवर्स के जब 15-20 ओवर रह जाते हैं, ऊपर के बैट्समैन ने उसको भेजा, इसने हर चीज रन बढ़ाए, उसने किए 50-70 अच्छे छोटे, T20 के लिए आइडियल है। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम कप्तान का बनता है या मैनेजमेंट का बनता है, इसको ऊपर चेक करें, वन डाउन और चौथे नंबर पर ऊपर अच्छी हिटें मारता है ये। अब हमारे यहाँ देखें, अभी फहीम अशरफ था, इसको इन्होंने कुछ दिन पहले चेक किया था, उसको ऊपर लेके आए थे, मगर फहीम अशरफ भी नेशनल बैंक से खेलता था, वो भी बहुत अच्छा, आप उसको शफल करके लेके आए, गुड ऑलराउंडर था वो, मगर हमने वही छठे नंबर पे रखा उसको, उसको ऊपर नहीं लेके आए। इसी तरह नवाज के साथ हम करते हैं कि छठे नंबर पे दो ओवर मिलते हैं, दो ओवर में कैसे पता है। अब हमाद वसीम को मैं समझता हूं अच्छा प्लेयर है, मगर हम उसको ज्यादा चांस देना चाहिए नवाज को। हमाद वसीम को रखें, जैसे आपने अभी सरफराज को साथ रखा हुआ है, मगर फर्स्ट चॉइस मेरी होती तो मैं उसको नवाज को ऊपर खिलाता। नवाज पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा टैलेंटेड है। देखिए नसीम, मैं पाकिस्तान को जिस नजरिए से देखता हूं, कि अगर पाकिस्तान की टीम में एक साल बंदा खेलता है ना, वर्ल्ड रैंकिंग में आना चाहिए।
ऐसे उसको तोड़ तोड़ के खिलाना। देखिए आपने वर्ल्ड रैंकिंग की बात की, मैं एक बात बड़ा हम कहते हैं हमारी बॉलिंग यानी टॉप 10 में भी नहीं है शाहीन शाह अफरीदी। देखें इतने अरसे से आप खेल रहे हो, हसन अली ने 64 शिकार कर लिए इस साल में, सबसे ज्यादा उनके शिकार हैं, लेकिन वो टॉप 10 में जगह नहीं बना रहे। अच्छा, अब ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग साइन है। अलार्मिंग साइन मैं कहता हूं कि ये तो वकार को पकड़ना चाहिए। हाँ। ये तो अभी आपकी परफॉर्मेंस अभी सामने आई है, दो ये तो बच्चे 2 साल से इनके पास थे। आज मैं उसको वसीम को बॉल करते हुए देख रहा था। आप वसीम, मैं समझता हूं दुनिया का तेज बॉलर बन सकता है। अच्छा, तेज बॉलर। अच्छा, देखें तेज बॉलर बनने में जान चाहिए शोल्डर की। आज उसने जो बॉले की है, मैं देख रहा था कि उसको आप प्रॉपर चांस दें, उसको सही तरह उसको रीड करें, पाकिस्तान का तेज बॉलर होगा अगला। ये अभी जैसे आपने इसको खिला, मगर ये सब फॉल्ट जाता है वकार यूनुस पे। वकार यूनुस इतना बड़ा प्लेयर था, इतना अभी तक इनको इसको सेट कर देना चाहिए था, ये 3-4 बॉलरों को। एक तो सबसे पहले ये शाहीन अफरीदी को सेट कर देना चाहिए था। अच्छा, मैं ये और एक और मेरी है कि शाहीन अफरीदी की वसीम अकरम इतनी तारीफ कर रहा है, वकार यूनुस, आकिब जावेद तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के टॉप बॉलर जो गुजरे वो तारीफ कर रहे हैं, तो एक आदमी पे क्यों छोड़ दिया है वकार पे? आप सबको चांस दे दें कि उसको बुला के दिखाएं। इसलिए कि आप पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो आपको ये सोचना, वो टैलेंट ढूंढना है आपने। हमारे यहाँ टैलेंट ढूंढते हैं, हमारे यहाँ फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, ये पाकिस्तान के साथ नुकसान करते हैं। अभी एक नसीम इसके बाद, मैं आज इतना खुश हो रहा था, मैं तो रमीज राजा को आपके प्रोग्राम के उसमें मैसेज देने वाला हूं, और मैं भी कोशिश करूंगा कि केपीके के कोचिस को, सिलेक्टर्स को और उनको डिसीजन देते हैं, आप उठा के देखें, मैरिट पे लड़के खिला गए लेते हैं रमीज भाई। एक जमाने में जब मैं खेलता था तो केपीके का लड़का कोटे पे खेलता था, और अब मेरिट खेल रहा है, और पाकिस्तान की इतनी परफॉर्मेंस, आप 6 के 6 लड़के उठा के देंगे पाकिस्तान टीम में। और मैं पॉलिसी आपको चेंज करनी पड़ेगी, जिस सूबे के ज्यादा प्लेयर खेलते हैं उनके कोचिस को भी पैसे ज्यादा दें, उनको फैसिलिटेट करें, नहीं तो ये इस तरह जैसे अभी सिंध का हाल हो रहा है, कराची का हाल हो रहा है, इनके कोचिस की उनके हिसाब से कंपेयर करें तो वो लड़के कितने पाकिस्तान को दे रहे हैं सुबह। हमें तो हमें ऐसे कोचेस चाहिए ना जो किसी सूबे का भी हो पाकिस्तान को लड़के दे। बिल्कुल सही बात है, मेन चीज पाकिस्तान है और पाकिस्तान की खिदमत। मुझे याद है लास्ट प्रोग्राम में जब हसन उमर साहब आए थे और मैंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि एंड ऑफ द डे असल चीज तो पाकिस्तान है। क्वेटा हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, सब एफर्ट यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट फले फूले और उसी को तरक्की हासिल हो। हसन उमर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, साजिद खान साहब भी हमें बस ज्वाइन कर रहे हैं ह्यूस्टन अमेरिका से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो साजिद खान साहब और हसन उमर साहब से ही आगाज करेंगे प्रोग्राम का। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, ऑल आउट देखते रहे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में। परसों 3रा मैच खेला जाएगा, क्या चेंज होती है क्या चेंज नहीं होती है, लेकिन एक शख्सियत जो चेंज नहीं होती है ऑल आउट से वो शोगी जान, फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान साहब भी ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद हैं CEO क्वेटा एंड गॉल ग्लैडिएटर्स हसन उमर साहब, जबकि स्टूडियो में सईद अजाज साहब बैठे हुए। साजिद भाई आपकी जाने बा रहा हूँ। साजिद भाई बहुत सारी चेंजेस हो गई हमने देखा बांग्लादेश में जाने के बाद, कुछ तो अब इत्मीनान होगा आपको। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, सईद अजाज भाई को और हसन को बहुत बहुत सलाम। ये बहुत खुश नसीबी हमारे प्रोग्राम में नदी उमर के बेटे हसन, जो यकीनी तौर पर नौजवान रोल मॉडल और बहुत ही नफीर इंसान है, और क्रिकेट के लिए इनके वालिद की और इनकी खिदमात की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नसीब उमर साहब, ये आपने वो बंदा आज आपने प्रोग्राम में बुलाया है, हसन यकीनी तौर पर इसकी तारीफ करे बगैर, इसकी जो ईमानदारी दयानदारी की बात करे बगैर मैं रह नहीं सकता, कि उस फैमिली को मैं 40 साल से जानता हूँ, जिनकी खिदमात है ना। एक तो इनको उनके वालिद को बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसा बेटा इन्होंने माशाल्लाह तरबियत की है इनके तो, नदीम उमर के वालिद की बात तो, नदीम भाई की अपनी शख्सियत है, लेकिन नदीम आदि हसन खुद अब एक माशाल्लाह डायनामिक लीडर, अपनी टीम को जिस तरह लेके चल रहे हैं हसन खुद अब आप बिल्कुल लाइमलाइट के अंदर हैं। जी साजिद भाई आप बात कर रहे थे बिल्कुल, नसीम भाई बहुत देख, नसीम भाई ये चीज अच्छी है, ये हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, नया बाजे सईद अजाज की अपने बात की, सईद अजाज ने बड़ी कंप्लीट तमाम चीजों को क्लियर किया एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच और एज ए एनालिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मगर देखिये थोड़ा सा आगे चले आते हैं, बांग्लादेश हमारा कोई मैच नहीं है, बांग्लादेश और हमारी क्रिकेट का कोई नेमल बदल नहीं है, जो हमारी टीम वहां पर गई
और जिस तरह हमारी टीम ने वहां पर कारकर्दगी दिखाई, आप मुझे बताइए अगर रिजवान ये टीम 2020 में रेस्ट कर ले, आपकी क्रिकेट इतनी है रेस्ट करने का टाइम नहीं है। मगर मेरा अपना ये जराया बताता है, अपने जराये बताते हैं कि रिजवान बैठने ही नहीं चाहते, और रिजवान की जो कैफियत थी, जो तबीयत थी एज ए विकेट कीपर, एज ए बैट्समैन, जो तस्वीर उसकी जो सोशल मीडिया पर लगी हुई है, तो हर आदमी देख के डर जाए। रिजवान एक क्वालिटी क्रिकेटर है, फाइटर इंसान है, उसको जितनी भी तारीफ दे कम है। मगर ये भी बताना जरूरी है, अगर सरफराज को अब नहीं खिलाओगे तो क्रिकेट के साथ जुलूम करोगे। अभी सईद आद कर रहे थे नवाज के हवाले से, देखे नवाज के लिए तो उसमें कोई दोरा नहीं है, बेहतरीन ऑलराउंडर है, शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट दुनिया क्रिकेट में हर लीग खेल रहा है, तो वो बेहतरीन एक प्लेयर बन सकता है। अब हसन अगर आज भी मेहनत नहीं मैच या कल भी मेहनत टेस्ट मैच में, मगर बात क्या हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट हमारी आगे नहीं जा रही, हमारी क्रिकेट पीछे जा रही है, हमारी क्रिकेट रुक गई है। सईद ने बात की रैम्बो के हवाले से, रैम्बो जो पीसीबी का रमीज राजा साहब है, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में एक क्रिकेटर आया, वन मैन शो है रमीज राजा, जो पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर आजम को उसने फुल कॉन्फिडेंस दिया है। उसने बोला मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जो तुमने फैसले करने हैं करो, मैं तुम्हें बैक करूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी भी चेयरमैन किसी कप्तान को पहली दफा पाकिस्तान की क्रिकेट डोंगे। लेकिन साजिद भाई अभी जरा मुझे इससे रिलेटेड आपसे थोड़ी सी बातें करनी है, मुझे जरा थोड़ी सी, ये जो आपने बात की कि डायनामिक रमीज राजा साहब आए और बड़ी तब्दीली आई है, मैं जरा आज आपके साथ कल के शो में भी जरा इसको जरा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा साजिद भाई, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत खुल के बात करते हैं, जरा थोड़ी सी हसन से बात करते हैं। गोल ग्लेडिएटर्स तैयार है जाने के लिए और मुकाबले के लिए, हसन साहब शाहिद खान अफरीदी जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि अभी जो स्क्रैबल की वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप जिसको स्पॉन्सर भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स कर रहे हैं और नदीम उमर साहब खुद भी पाकिस्तान स्क्रैबल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो उस लिहाज से अगर देखते हैं तो उस वक्त नदीम भाई ने बात कही थी कि शाहिद खान अफरीदी मोस्ट प्रोबेबली क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा होंगे, लेकिन लास्ट एडिशन में वो गोल ग्लैडिएटर्स का भी हिस्सा थे, तो हसन भाई थोड़ा बताइएगा हमें। पहले तो साजिद खान साहब और सईद आजाद साहब ने जो मेरे लिए बोला, जो हमारी फैमिली के लिए बोला, बहुत शुक्रिया। ये लोग उनको देख के मैंने बड़ा सीखा है, हमारे सीनियर्स ने, तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने हमारे लिए कहा। दूसरी बात आपने की कि शाहिद खान साहब जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस साल गोल में नहीं है हमारे साथ, तो वो क्या कहते हैं उनकी कोई कमिटमेंट्स थी, तो अनफॉर्चुनेटली दिस से शायद अफरीदी नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह क्वेटा ग्लैडिएटर्स में आप देखेंगे उन्हें हमारे साथ, इंशाल्लाह क्वेटा ग्लैडिएटर्स में। तो इस बार हफीज रिप्लेस कर रहे हैं उन्हें, शायद भाई की रिप्लेसमेंट तो हफीज ही हैं, ऑलराउंडर हैं, और हमें ऐसे ही एक नाम चाहिए था, तो अल्लाह का शुक्र है हफीज अवेलेबल। बिल्कुल हसन भाई, वैसे बड़ी सुलझी हुई बातें करने लगे, आपने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, थोड़ा सा बताएं क्वेटा पाकिस्तान सुपर लीग के खासी मीटिंग्स हुई थी अभी रिसेंट पास्ट में, रमीज राजा साहब खुद भी वहां पर मौजूद थे, तो क्या कुछ जो मसाइल थे फ्रेंचाइजर्स के वो किस हद तक हल हो गए? सबसे पहले तो रमीज राजा साहब को मुबारकबाद के उन्होंने वर्ल्ड कप में भी और बांग्लादेश में जो टीम जीती। अच्छा, सेकेंडली तो ये है कि मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर्स पे तो यही डिसाइड हो रहा है कि शायद वही होगी फ्रेंचाइज, वो जो प्लेयर फीस होगी, लेकिन अगर अच्छे प्लेयर आ गए, क्योंकि वहाँ सीरीज भी बहुत है उस टाइम पे, और उस टाइम पे दूसरी लीग्स मुख्तलिफ खत्म हो रही होंगी, कोई शुरू हो रही होगी, तो अगर अच्छे प्लेयर आएंगे तो डेफिनेटली ये है कि पैसे बढ़ा दिए जाएंगे प्लेयरों के लिए। तो ऑलरेडी तमाम फ्रेंचाइजर्स तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहे हैं पिछले कई सालों से, तो अगर पैसे बढ़ाने की सूरत हाल होगी तो उसमें कोई सपोर्ट क्रिकेट बोर्ड की जानिब से होगी? जी डेफिनेटली, अच्छे प्लेयर्स आएंगे तो हमारे पास ज्यादा अच्छे क्वालिटी के स्पॉन्सर्स भी आएंगे, लोग भी आएंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो वहां से भी अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, और बोर्ड का तो सपोर्ट है, उन्होंने तो सेंट्रल पूल 95% हमारा कर दिया है, जिसमें इन स्टेडियम आ जाता है, ब्रॉडकास्टिंग आ जाती है, तो अल्लाह का शुक्र है वहां से तो है सपोर्ट। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं जैसे मैं रमीज राजा साहब को आजकल देख रहा हूँ, रमीज राजा साहब को जो एग्रेशन दिखाई दे रहा है, मैंने कहा शायद हो सकता है कि वो फ्रेंचाइजर से भी इसी तरह बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, हसन साहब ने बताया ये चीज़ नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और खासकर सईद भाई कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान सुपर लीग को सेफ रखना, बचाना,
देखिए ना, अभी मैं हसन भाई से आके ये बात भी पूछूंगा कि उसी दौरान में बिग बैश भी हो रही होगी, उसी दौरान में एमिरेट्स क्रिकेट लीग भी हो रही होगी जहां पे शाहरुख खान ने भी टीम खरीद ली है, तो बाकी और भी कई फ्रेंचाइजर्स आ गए आईपीएल के, तो हमें प्लेयर मिलेंगे कौन से उस दौरान के अंदर, ये भी तो एक सवाल है, लेकिन इसको बचाना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए नसीम, अब थोड़ी सी मेरी, मैं जिस नजरिए से देख रहा हूं, रमीज राजा की लोग कह रहे हैं, मुझे कह जा रहे हैं क्या तुम, मैं तारीफ नहीं कर रहा, उस वो पाकिस्तान के लिए आया है। आप पिछला इससे पहले तो तनख्वाह पे थे, वो इंटरेस्ट नहीं था, के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल, वसीम खान जो था पिछला, वो पेट था, वो पैसा कमाने आया था, उसकी नजर में एक तो ड्यूल नेशनल था वो, उसकी नजर में पाकिस्तान की हैसियत इतनी थी कि मैं बोर्ड को पैसा जमा करके दे दूं, मैं अपने काम कर जाऊं, उसकी पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स नहीं थी। हम जो इतना बोलते रहते थे कि यार ये फ्रेंचाइज वालों से उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होके दे रही थी, वो ये वजह थी कि वो इनको ये नहीं ये पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहे थे, जितने भी फ्रेंचाइज के ओनर थे वो एक सिस्टम के लिए काम करने आया था। रमीज राजा टोटली पाकिस्तान के लिए काम करने आया है, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने आया है, पाकिस्तान की क्रिकेट बचाने आया है। ये सोचे अलग हैं, देखें ये सोचे अलग हैं। उस वो आदमी रमीज ने, मैं जो अभी कंटिन्यू मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, उसने अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो जैसे लग रहा है कि जैसे एक बच्चा पाकिस्तान खेलने के लिए, अपना रन करने के लिए और सुपरस्टार बनने के लिए कोशिश कर रहा होता है, रमीज राजा इसी तरह चेयरमैन की सीट में बैठ के पाकिस्तान को तरक्की के लिए, पाकिस्तान की अच्छाई के लिए, ग्रास रूट पे लिए, अंडर 19 PSL कराने के लिए, ये सब सोचे डिफरेंट इंसान की होती है। ये पाकिस्तान से जो फीलिंग्स रखने वाले लोग होते हैं उनकी होती है। वो वसीम खान जो आया था, वसीम खान आया था, उसको ये इंटरेस्ट नहीं था जो इंटरेस्ट अभी रमीज का आपको नजर आ रहा है। तो यही हर पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, हर पाकिस्तान को यही अप्रोच से आएगा तो पाकिस्तान इंप्रूव कर सकता है। अब नहीं तो आप पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतना अभी देखें। देखिए मेरी अपनी जाती राय में मुझे ऐसा लग रहा है रमीज राजा साहब का थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा, मैं एक मिनट आता हूं सही इस पे, हमने कल भी बात करनी, आप मेरे साथ कल आएंगे रमीज राजा के प्रोग्राम पे भी, मैं कल आपसे बात करूंगा और साजिद खान साहब भी होंगे। साजिद भाई थोड़ा सा एग्रेशन रमीज भाई का थोड़ा ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, जब वो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी पैसे बंद कर दे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट दिवालिया हो जाएगी, और जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिए, जो दो दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब वो ICC मीटिंग के बाद आए थे, तो उन्होंने कहा इंडिया क्या है, तो कहने का मकसद है या तो क्विक लर्नर है कि वहां पे जरा थोड़ा ज्यादा कह गए थे तो यहां पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एग्रेशन ज्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है पर्सनली। बिल्कुल सही नसीम भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इस बात को सेकंड करूंगा। रैंबो बहुत फास्ट जा रहे हैं और दो दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने साफी जिस अंदाज में बात की उस तरह से बात उनको नहीं करना चाहिए। साफी हमारे मुताबिक सबके साथ ऐसे ही बात कर रहे हैं, छोटे साफी हो उनको उस तरह की बात नहीं करना चाहिए और अदब से इत्राम से बात करना चाहिए, और ये बहुत फास्ट जा रहे हैं, इसका फास्ट नहीं जाना चाहिए। और आपकी बात 100% सही है, यकीनी तौर पर इतना तेज ना जाए, हर इंसान पाकिस्तान के लिए करना चाहता है, कुर्सी की बड़ी पावर होती है, उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हाथ है, थप्पी पे हाथ दिया हुआ है। मैं जब मानूंगा इमरान खान के पास जाके ये बोले जाइए इमरान खान साहब मैं डिपार्टमेंट की क्रिकेट को प्रमोट करना चाहता हूं, मैं रमीज राजा को जब वहां पर सेकंड करो, मगर बहुत बड़ी बात है ये, सही ये इंपॉर्टेंट बात है ना, बात करें तो ये बात जेब नहीं देती, हर साथी की उसी रिस्पेक्ट है, चंद साथी का आप नाम लेते हैं, चंद साथियों का आप नाम नहीं लेते, ये चीज पे मेरा इख्तलाफात है और इख्तलाफात रहेगा। बात सिंपल सी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आप चेयरमैन है, सबको एक नजर से देखें और आराम से बात करें, कुछ पाकिस्तान के लिए आपको सोचना, तो सब पाकिस्तानी लोग आपको बैक। साजिद भाई ये जरा रमीज भाई पे मैंने कल भी बात करनी है, थोड़ी सी उनके एग्रेशन पे थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन अच्छी चीज ये है कि CEO क्वेटा ग्लैडिएटर्स हसन उमर साहब हमारे साथ हैं और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी दानिशमंदी के साथ तमाम चीजों को लेके चल रहा है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है बाहर लोग कह रहे होंगे लेकिन फ्रेंचाइजर्स के साथ रवैया रमीज भाई का अच्छा है, जो हसन भाई से मैंने सुना, बाकी जगहों पे तो सुन रहे हैं कि वो एग्रेशन उन्होंने जो शलवार कमीज और बास्केट पहनी है तो फिर तब्दीली वाली हवा जो है वो क्रिकेट बोर्ड में भी लेकर आए हुए। हसन भाई थोड़ी सी बस जाते जाते आपसे हम ये बात करेंगे कि आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स कितनी तैयार दिखाई दे रही है और जो चैंपियंस ट्रॉफी मिली है हमें 2025 में कितना इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के अपने इवेंट्स के लिए, वो इवेंट हमारे लिए अच्छा है। हमारे तो साथ ही अनफॉर्चुनेट दो इंसिडेंट हो गए कि दो टीमें चली गई वापस, तो अब ये जो भी एफर्ट किया जा रहा है टू रिस्टोर क्रिकेट इन आर कंट्री
और ये पहला बड़ा टूर्नामेंट लग रहा है काफी टाइम बाद जो पाकिस्तान को मिला है, तो इंशाल्लाह ये कामयाबी से हो जाए तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। और दूसरी बात ये कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपनी गलतियों पे जरा कोशिश करेगी कि इस बार ना रिपीट करे। थिंक टैंक काफी जो है वो वर्क कर रहा है, अब वालिद साहब, मोइन भाई, आजम खान, नबील हाशमी सारे जो हैं इस बार कोशिश करेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस दें और काफी क्रिकेट को बड़ी गौर से देख रहे हैं इस बार। जी कम ऑन पर्पल फोर्स, ये सीजन होना चाहिए हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच हसन उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड साजिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश है कि आप और साजिद भाई कल के प्रोग्राम में भी मुझे ज्वाइन करें, तो मैं इस चीज़ को जरा दोनों से, क्योंकि साजिद भाई ने आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही हैं कि जो हमने लाजमी तौर पर कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस करनी है। तो बस यही है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है कुछ अच्छे ट्रैक पर दिखाई दे रही है, लेकिन सुलझे हुए फैसले, दानिशमंदाना फैसले।